केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के सोलदा गांव में शुक्रवार की देर रात किसान आदेश उर्फ गुड्डू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आदेश को पहले लाठी डंडों से पीटा गया और फिर सिर में गोली मार दी गई। बदमाशों ने जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया, वहां गांव की वह महिला देववती भी थी जो अपने परिवार को छोड़कर आदेश संग रह रही थी, उसे भी चोटें आई हैं। इस हत्याकांड में मारे गए किसान के परिजनों ने गांव के ही 5 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। माना जा रहा है कि इस हत्याकांड को महिला के ससुराल पक्ष ने अंजाम दिया है, हालांकि अभी जांच जारी है। मृतक की बहन सरिता ने आदेश की प्रेमिका समेत 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। बताया गया है कुछ दिन पूर्व ही आदेश ने करोड़ों की जमीन बेची थी, जिसे लेकर उसका अपनी प्रेमिका देववती से विवाद चल रहा था। आदेश जाट बिरादरी से, जबकि देववती कश्यप। पहले सुनिए क्या बताया आदेश की बहन ने। जी, मैं तो लड़की सोलदे की हूँ, दादरी मैं, मेरी शादी हुई थी। क्या घटना हुई है सोलदा में आज? जी, मेरे भाई को मार डाला। किसने? जी, देववती नाम की महिला है, धीमरी। किस बात को लेकर मारा? जी, वो मेरे भाई का माल खाती थी। किस चीज से मारा उनको? जी, मुझे इतना असली पता नहीं है, मेरे भाई को पुलिस वाला ने मुझे नहीं दिखाया। आपको सूचना कैसे मिली? मुझे गांव वालों ने सूचना दी। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया मौके पे अम्मा को भी वहीं पे मिली है, उस सोई हुई। और जी, पुलिस ने उसके घर जाकर कार्यवाही करी है। और जी, पुलिस ने उसके फोन में उसके पति जो पहले थे शादीशुदा, उसका कॉल आई हुई थी, पप्पू नाम से कॉल आई हुई है। मेरे से पुलिस वाली ने मुझे बताया कि ठोर थाने में मुझे रात बताया पुलिस वाली ने। बीती रात थाना क्षेत्र के ठोर में सोलदा गांव है, वहां से सूचना प्राप्त हुई थी कि उस गांव के निवासी आदेश कुमार उर्फ गुड्डू नामक व्यक्ति हैं, जो अपने घर में चारपाई पर मृत अवस्था में पड़े हैं। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस और हमारी फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। उनके द्वारा सघन जाँच की गई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उनके सर पे प्रथम दृष्टया चोट का निशान था और पता चला है कि गांव की ही एक महिला के साथ वो काफ़ी दिनों से उस घर में रहा करते थे। उस महिला के माथे पर भी चोट का निशान था, उसको भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रकरण में तहरीर प्राप्त करके थाना के ठोर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और प्रकरण से जुड़े हुए सभी पहलुओं की सघन जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। इस अपडेट पर रहेगी हमारी बराबर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।